अरशद नदीम ने अपने जीवन का वन ऑफ द बेस्ट थ्रो जो है वो डाल दिया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर और ये ओलंपिक का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान का आ गया फिर दोबारा, इस बारी तो मार ही देगा। ये सबसे पहले इसी ने फोल करा था। ओ क्रॉस कर दिया है। देख शक्ल, देख शक्ल से पता, सांस फूल रही है, लग रही है पूरी रात नहीं सोया। और यहां पे देखिए आंखों के नीचे गड्ढे पड़े हुए। देखते हैं अब अरशद नदीम, नीरज के कंपेटिटर अरशद नदीम फेंका, खुश लग रहे हैं, थोड़ा बहुत खुश लग रहे हैं थ्रो से। ओ गोल्ड मेडल, पहले आपको एक कंप्लीट वीडियो रिएक्शन दिखाते हैं, फिर एंड में जाकर इस हवाले से बात करते हैं। भाई पाकिस्तान का आ गया फिर दोबारा, इस बारी तो मार ही देगा। ये सबसे पहले इसी ने फोल करा था। ओ भैंस की आंख, ओ भाई पाकिस्तान का कितना लंबा मार गया वे, लंबा हरी मैडम लंबा, गाओ गाओ पाकिस्तानियों लंबा लंबा गाओ भाई। तब नदीम भी थोड़ा सा मायूस नजर आ रहे हैं, दूसरा राउंड उनका पाउल हुआ है तो ये नीरज के लिए भी प्लस पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें ना तो अरशद नदीम फिलहाल कंटेंशन में भी नहीं है। जो एथलीट फिलहाल कंटेंशन में, उन्होंने 87.87 मीटर का जो है वो एक डाला है, लेकिन अरशद नदीम ने जो है अब 92.97 मीटर, दूसरा जो है अरशद नदीम ने अपने जीवन का वन ऑफ द बेस्ट थ्रो जो है वो डाल दिया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर और ये ओलंपिक का रिकॉर्ड है। अंकन ओलंपिक का अपने आप में एक रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि जैवलिन में ऐसा नहीं रहा है, तो अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है नीरज चोपड़ा के लिए आगे। बिल्कुल, इसे खुल के खेले ना तब तो। देख शक्ल, देख शक्ल से पता, सांस फूल रही है, पूरी रात नहीं सोया। और यहाँ पे देखिए आंखों के नीचे गड्ढे पड़े हुए। देखते अब अरशद नदीम, नीरज के कंपेटिटर अरशद नदीम फेंका, खुश लग रहे हैं, थोड़ा बहुत खुश लग रहे हैं थ्रो से। ओ गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल पोजीशन में है, सुपर अपनी लाइफ की बेस्ट थ्रो मार दी है, गोल्ड मेडल पोजीशन। देखने वाली बात है कहां गई है, ऊपर है ये 90 मीटर से ऊपर गई है। नीरज चोपड़ा ने अपनी लाइफ में कभी 90 मीटर से ऊपर मारा नहीं है। अरशद नदीम हैज डन द अनथिंकेबल, अनबिलीवेबल। इसके बाद शायद इनको थ्रो लेने की जरूरत भी मानना पड़े। 2.97 फॉर अरशद नदीम, दिस इज हिस्ट्री हैज बीन मेड ओलंपिक्स के अंदर आकर फॉर पाकिस्तान। अरशद नदीम 92.97, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता नहीं कोई मार। ये तीनों जब खड़े होंगे सबसे ऊपर फ्लैग जाएगा पाकिस्तान का और नेशनल एंथम बजेगा पाकिस्तान का। इससे बड़ा ऑनर इस दुनिया में कोई नहीं। और मैं फिर वही बोलूंगा, जितने क्रिकेटर्स को हीरो बना रखा है ना, जितने क्रिकेटर्स को करोड़ों अरबों रुपए देते हो ना, एथलीट्स को दो। ये लड़के डिजर्व करते हैं, ये लड़के जो बिना किसी फैसिलिटी के खेलते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, जिनको लाइमलाइट नहीं मिलती, जिनको पैसा नहीं मिलता, वो आपके मुल्क को जब जिताते हैं तब आपको एहसास होना चाहिए कि क्रिकेटर्स जो है वो फोके हैं, वो उनमें इतना दम नहीं है भाई। ये ओलंपिक्स पूरी दुनिया लड़ती है। क्रिकेट में कितनी टीम्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, खत्म, न्यूजीलैंड, मैक्सिमम 4-5, दैट्स इट। यहां पे पूरी दुनिया से लड़ाई, जो जिस तरीके से उनका रहा था पहले भी उन्होंने कर रखी है। ये थ्रो कितना आया है, क्रॉस कर दिया है नदीम, 92 या 93 की थ्रो मार दी है। इसको डाल दीजिए, ओलंपिक रिकॉर्ड मुझे लग रहा है बना चुके हैं अरशद नदीम, ओलंपिक रिकॉर्ड। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए अरशद नदीम। आई थिंक अब नीरज चोपड़ा पर रियल प्रेशर है। ओलंपिक रिकॉर्ड टूट चुका है, 92.97 भाई। मैं ये कह रहा था कि भाई ये ऐसा एथलीट है, लास्ट थ्रो भी अगर होगी तो ये कुछ भी कर सकता है। मैंने जितना दिखा है इनका जज्बा ही अलग है भाई, ये अलग जज्बा ही अलग है। दोस्तों जिस तरह की इस वीडियो में आपने देखा कि जीवलन थ्रो फेंकने के बाद किस तरह अरशद नदीम ने पूरी दुनिया समेत भारत को हैरान कर दिया है, भारतीय मीडिया जो आज भी अरशद नदीम के शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ करती दिखाई दे रहा है कि ये एक महज थ्रो नहीं थी बल्कि एक मिसाइल था जो कि अरशद नदीम ने फेंका है। अरशद नदीम ने जीवलन थ्रो के दौरान ओलंपिक्स गेम्स की जो पुरानी रिकॉर्ड है उसको तोड़ डाला है और
नई हिस्ट्री क्रिएट कर डाली है। 92.97 की जो तृतीय अर्शद नदीम ने वह फेंकी जो आज तक कोई नहीं फेंक सका ओलंपिक्स गेम के अंदर अगर बात की जाए तो, वह काम कर दिखाया है पाकिस्तानी शहजादी अर्शद नदीम ने जो आज तक कोई नहीं कर सका। दूसरी तरफ निराज चोपड़ा थे भारत के, जिनसे काफी ज्यादा उम्मीद थी कि वह गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो जाएंगे और अपने टाइटल का कामयाबी से दिफा कर पाएंगे, मगर नदीम जो चोपड़ा है निराज चोपड़ा उन्होंने भी दिल जीत लिए है, क्योंकि उनके मदर की तरफ से जिस तरह का अमन और पैगाम प्यार और मोहब्बत का जो पैगाम दिया गया है, अर्शद नदीम को बेटा कहकर पुकार दिया है कि ओह भी मेरा बेटा है। अर्शद नदीम जीते या निराज चोपड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों मेरे बेटे हैं, ये कहना है निराज चोपड़ा की मदर का, जिसके बाद इस बयान ने दिल जीत लिए है और पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान हो या फिर भारत सब अर्शद नदीम और निराज चोपड़ा की शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ करते दिखाई दे रहे है। जब अर्शद नदीम ने यह तारीख 7 ट्रॉफी की तो इस पर भारतीय मीडिया का क्या रिएक्शन था, कंप्लीट वीडियो आपने देखी। जब भारतीय मीडिया का रिएक्शन था अर्शद नदीम के शानदार और रिकॉर्ड शास्त्रों के हवाले से, आप भी कमेंट बॉक्स में जाइए और अर्शद नदीम के गोल्ड मेडल के हवाले से अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।